अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी, अब वो आबकारी नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आज हमारे देश की जो राजनीति हो गई है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो हम लोग राजनीति में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी पार्टी बना ली, आज वो उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है, उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना, सत्ता को यहां से दिल्ली से खत्म करके इस देश के हर गाँव तक पहुँचाना, सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है अब हम लोगों को। इस वक्त केजरीवाल को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं। मसलन, चमत्कारिक तरीके से मुख्यमंत्री बनने वाले केजरीवाल के खिलाफ क्या जानबूझकर कोई साजिश रची गई है, या फिर वो उस राह से भटक गए हैं जिसके सपने उन्होंने आम जनता को दिखाए थे। इस पार्टी का ढांचा दूसरी पार्टियों की तरह नहीं होगा। इस पार्टी का ढांचा क्या होना चाहिए, इस आंदोलन का ढांचा क्या होना चाहिए, ये भी सभी सुझाव आप लोग देंगे। जो आप लोग कहेंगे, जो जनता कहेगी, वही ढांचा इस पूरे आंदोलन का होगा। अब आंदोलन सड़क पे भी होगा और संसद के अंदर भी होगा, दोनों जगह आंदोलन होगा। एक आंदोलन से लेकर सलाखों के पीछे तक की केजरीवाल की पूरी कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले मोटे तौर पर उस मामले को समझ लेते हैं जिससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं। तो केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की CBI से जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। आरोप है कि मामले के आरोपी आबकारी नीति बनाने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे। हालांकि आम आदमी पार्टी पूरे मामले को केजरीवाल के खिलाफ साजिश बता रही है। उसकी क्या दलील है वो भी आपको सुनवाएंगे, मगर पहले बात केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इतिहास की। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने भारतीय राजस्व सेवा में दिल्ली में इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर काम किया था। बात उनकी पढ़ाई की करें तो केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। बात आम आदमी पार्टी के जन्म की करें तो जरा अप्रैल 2011 में चलिए। ये वो वक्त था जब कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र की UPA सरकार के दौरान सामने आए बड़े भ्रष्टाचार घोटालों की पृष्ठभूमि में एक सिविल सोसाइटी आंदोलन का जन्म हुआ। इस दौरान अलग अलग बैकग्राउंड के एक्टिविस्टों का एक ग्रुप जन लोकपाल बिल को लागू कराने की मांग करने के लिए एक साथ आया। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर बताया गया है कि मीडिया में होने वाले हर खुलासे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ा और एक ऐसे मजबूत कानून की मांग भी बढ़ी जो भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम से निपट सके। ऐसे में इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी IAC के बैनर तले एक आंदोलन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अगुवाई में जन लोकपाल बिल के लिए समर्थन जुटाने और लोगों की मांग पर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन किया गया, जिसका हिस्सा केजरीवाल भी थे। पार्टी के मुताबिक तीसरे और अंतिम अनशन के अंत में IAC के सभी प्रयासों के बावजूद संसद अभी भी जन लोकपाल को पारित करने के करीब नहीं पहुंची थी। पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि लोगों की मांगों पर सहमत होने में सरकार की नाकामी गहराई तक फैले भ्रष्टाचार का नतीजा थी। तभी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में IAC कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने फैसला किया कि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का एकमात्र तरीका राजनीति में शामिल होना, सरकार में प्रवेश करना और सिस्टम को भीतर से साफ करना है। और इसी तरह साल 2012 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में आपको दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 28 पर जीत मिली। इस चुनाव में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर आपने 8 सीटों वाली कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उन्होंने 49 दिन बाद ये दलील देते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनकी पार्टी के अल्पमत में होने की वजह से सरकार भ्रष्टाचार विरोधी कानून को पारित करने में समर्थ नहीं थी। साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने कुल 70 में से 67 सीटें हासिल कर ली। इसके बाद 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आपने बड़ी जीत दर्ज की। फिलहाल पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब केजरीवाल ने आम आदमी की भलाई में कितना काम किया, कितने वादे पूरे किए, वो एक अलग कहानी है, उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल फिर से लौटाते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर।
तो इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिस में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। अब आखिर में आपको इस मामले पर बीजेपी का बयान भी सुनवा देते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपना नारा बना लिया है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसिद्ध अधिकार। कोई कार्रवाई होगी और राहत कोर्ट से नहीं मिलेगी तो भी चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बुरे काम का तो बुरा ही होगा अंजाम। आपको तो दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोल दी और मधुशाला खोलते खोलते जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया और जब उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई भी ऐसी जिस पर कोर्ट की मुहर लग रही है। आज कोर्ट ने कहा ना कि कोई राहत आपको नहीं दी जा सकती, कल कोर्ट ने कहा ना 9-9 समन क्यों आप स्किप कर रहे हैं, आपको एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा, फिर भी आप कहते हैं ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया परंतु आम आदमी पार्टी कहती है हम कट्टर ईमानदार है, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी अपने आप को भारत रत्न देने की बात करते हैं और कहते हैं हम सबसे ईमानदार हैं। जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा, जिस प्रकार से संजय सिंह को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी, विजय नायर को 1 साल से कोर्ट ने राहत नहीं दी, तो क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? और कांग्रेस पार्टी जो आपकी साथी है, 1-2 महीने पहले तक तो वो खुद पोस्टर लगा रही थी कि केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है कि घोटाला तो हुआ है। तो आज इन सवालों का जवाब देने के बदले कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन कर दिया, कैसे आपने होलसेल में प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने दिया, किस प्रकार से जब कोविड का कालखंड था तो 1000 करोड़ रुपए आपने शराब घोटालेबाजों की जेबों में डाल दिए, इसका जवाब देने के बदले आप विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं।